रायपुर में ग्रामीणों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और 35 साल से लगातार कांग्रेस के कब्जे को भाजपा ने हासिल कर लिया है। कांग्रेस के पंकज शर्मा को हराकर मोतीलाल साहू विधायक बने हैं और इसके लिए स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने खासी एकजुटता दिखाई थी, जिसका सुखद परिणाम भी मिला। अब यही कार्यकर्ता जीत को मोदी के नाम पर दिए हैं द्वारा किया था, इसी का ये परिणाम है कि जनता में एक आक्रोश था और वो चाहते थे परिवर्तन करना, और परिवर्तन हुआ है और सबका साथ और सबका विकास होगा। प्राथमिकताएं हमारी यही है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स हम वहाँ पे बनाएंगे और जो है उसको अच्छे से सुदृढ़ करेंगे, व्यवस्था सही करेंगे और विकास का कार्य करेंगे। नेतृत्व मिल रहा है, सरकार भी आपकी आ रही है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं आप, करीब 400-500 करोड़ का काम हुआ है, डहरिया जी का कहना ये है, तो क्या वाकई में पूरे में भ्रष्टाचार हुआ है? और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जो अधिकारी संलिप्त हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई? बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार का। ग्रामीण का सबसे बड़ा जो सीट था बहुत ही हाई प्रोफाइल रहा है, सत्यनारायण शर्मा यहाँ से विधायक थे और उन्होंने अपनी विधायकी की जो अपनी बागडोर जो है अपने बेटे को सौंपी थी, लेकिन करारी हार मिली है। तो हम अब उनकी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो ग्रामीण की जो जनता है बीजेपी को एक जीत हासिल की है, बीजेपी के जीत दर्ज करवाई है। तो ये सीधे तौर पर हम जानेंगे कि ग्रामीण जो रायपुर ग्रामीण जो है, रायपुर ग्रामीण को एक खासा बहुमत मिला है। क्या लगता है कि किस तरह से? देखिए, रायपुर ग्रामीण को जिस तरीके से लोगों को लगता था कि ग्रामीण जो है कठिन सीट है, वहाँ पर पंकज शर्मा जी का प्रभाव है, लेकिन वहाँ पर मतदाताओं ने जो और कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया और जो पंकज शर्मा जी के समय उन्होंने जो जिस घटनाओं को उन्होंने संरक्षण दिया था उन सब का रोष भी था। विकास वहाँ पर शून्य था। बिरगांव जैसे क्षेत्र में आप सबने देखा होगा कि बिरगांव के अंदर में कांग्रेस का महापौर है, वहाँ पर पंकज शर्मा जी का पूरा राज चलता था, ऐसा माहौल में बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर बिरगांव में कोई काम नहीं हुआ और बिरगांव में ही उसको 17,000 से ज़्यादा वोटों से उसको वहाँ पर मात खानी पड़ी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आधे से ज़्यादा नुकसान उसका कांग्रेस को जो है वह बिरगांव में ही हो चुका था। इसीलिए हमको कोई शंका नहीं थी कि भाजपा का प्रत्याशी वहाँ पर जीतेगा नहीं, और जो मोतीलाल जी की छवि है उसके आधार पर सामाजिक वोटों का भी उनको लाभ हुआ, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रंग लाई और वहाँ पर लगभग 36,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मोतीलाल साहू जी ने विजय दर्ज किए। तो हमारे साथ ओम प्रकाश देवांगन जी भी हैं, तो उनसे हम सीधा जानना चाहेंगे कि आप अभी भाजपा में प्रवेश किया और भाजपा में प्रवेश करते ही ग्रामीण में आपने पताका फहरा दिया, तो ये क्या लगता है कि किस तरह से ये जो पताका जो फहराए हैं वो क्या रहे, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी छवि है जनता के बीच पहुंचने वाली है, तो अब जो रहेगी क्या कैसा क्या? देखिए, ये जो जीत है वो जनता की जीत है, रायपुर ग्रामीण की जीत एक बड़ी जीत है, और आप ये मान के चलिए कि अब निगेटिव राजनीति नहीं चलेगी। जनता ने ये तय कर लिया है जो निगेटिव राजनीति करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, वही हुआ है। अच्छे लोग आए हैं जीत के और निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, और जनता ने जो विश्वास किया है, जो उनकी अपेक्षाएं होंगी उस पर खरा उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यदि देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पताका फहराया है, इस पताका फहराने के पीछे भी बहुत सारे हाथ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। हम पाटन की यदि बात करेंगे तो पाटन में प्रभारी रहे हैं सच्चिदानंद उपासने जी, उन्होंने भी वहां पर बहुत काम किया, लेकिन ठीक है कुछ कारणों से विजय बघेल जीत नहीं पाए, पर काम इतना ज़्यादा रहा कि किस तरह से आपने वहां पर बहुत सारा जो काम किया था पाटन में, जो प्रदेश प्रभारी थे वहां, कैसा रहा वो? देखिए, पाटन में जिस प्रकार से भय और आतंक था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जेल की यातनाएं दी जा रही थी, उनके मकान तोड़े जा रहे थे, उनकी भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहित किया जा रहा था, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, और इन सब बातों को लेकर जिस प्रकार से वहाँ कार्यकर्ता उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जो हर कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर जो है काम कर रहा था, जिसकी परिणति हुई कि बहुत ही संघर्ष जो है मुख्यमंत्री जी को उस विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ा, जनता का जो आक्रोश था वो उनकी अभिव्यक्ति जो है वहाँ पर दिखाई दे रही थी, और यही कारण है कि उन्होंने रात दिन एक किया। मेरे तरफ पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, मैं पूरे प्रदेश देखूंगा, मेरे कार्यकर्ता और जनता जो है वहाँ मेरे चुनाव को जिताएंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। लेकिन जब से विजय बघेल जी प्रत्याशी बने वहाँ पर, और विजय बघेल जी का जो जनाधार था
विजय बघेल जी की जो सक्रियता थे, उनकी टीम थी, कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जिस प्रकार से काम किया, लगातार मैं भी 10-11 महीनों तक के वहाँ पर जो है वहाँ पर काम करता रहा और उसकी परिणति हुई कि आज जो है भले हम वहाँ पराजित हुए हैं लेकिन जनता ये जानती है कि विजय बघेल वहाँ पर विजयी हुए, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुए, क्योंकि भूपेश बघेल जी के कारणों के कारण पूरा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को विजय सिद्ध। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। तो अब सीधे तौर पर ये देखना होगा कि 5 साल के बाद फिर से भाजपा प्रदेश में काबिज हुई है। कैमरामैन नागेश्वर साहू के साथ रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़।